आम आदमी पार्टी की बैठक के लिए गुड़गांव में लोगों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। योगेंद्र यादव पहुंच चुके हैं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। ताजा जानकारियों के मुताबिक गुड़गांव में बैठक की जगह पर मौजूद है हमारी संवाददाता रीमा पराशर। स्वराज संवाद की ये बैठक आज दिन भर चलने वाली है और जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की तरफ से कि लगभग 3,500 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि ये बैठक संवाद के लिए है। स्वराज जिसके नारे पर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, जिसके बाद जनता ने बहुत उम्मीदें लगाई थी और उसी उम्मीदों पर इन लोगों को आरोप है कि अरविंद केजरीवाल खरे नहीं उतरे हैं और जिस तरह से इन्हें नेशनल एग्जीक्यूटिव से निकाला गया, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो एक टीज है मन में और उसी के खिलाफ हम कह सकते हैं कि एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश है। हालांकि इस वक्त जो नजारा यहां पर है बैठक से पहले, बहुत सारे लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, देश भर से यहां पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनौती देने की ये सीधे कोशिश है अरविंद केजरीवाल और उनके सिपह सलाहकारों को कि यहां पर वो लोग भी पहुंचे हैं जो अभी तक आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके मन में कोई ऐसी बात है जिसको अब वो जग जाहिर करना चाहते हैं और पहुंचे हुए हैं। यहां पर हमारे साथ ऐसे भी वरिष्ठ कुछ लोग हैं जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर रहे और उनमें से एक है। आपका नाम? मेरा नाम विशाल शर्मा लाठे है। विशाल जी, आप कहाँ से आए? मैं वैसे बिलोंग तो मुरादाबाद से करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे हमारे? जी हाँ, रुहेलखंड जोन का संयोजक के नाते मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था और 4 तारीख की मीटिंग में भी, जिसमें एक अहम फैसला किया गया था पीएससी में साथियों को बाहर निकालने का, उसमें भी मेरा वोट था। उसके अलावा नेशनल काउंसिल की मीटिंग में भी मैं पार्टी से बाहर आया था और उसकी वजह से आज पार्टी से निष्कासित हूँ। आपको पार्टी से ही निकाल? जी हाँ, मैं प्रथम व्यक्ति हूँ जिसको पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया। क्या आरोप आपके ऊपर लगे थे, क्या आपने ऐसा क्या मुद्दा उठाया? देखिए, हमारे को आरोप पत्र तो आज तक नहीं मिला है। मुझे एक रात अचानक से पंकज गुप्ता जी का ईमेल प्राप्त हुआ कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाता है। मैंने तुरंत पंकज गुप्ता जी को बोला कि भाई इस तरह से निकालने का तो कोई प्राविधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आपको शोकॉज नोटिस भेजना चाहिए और शोकॉज नोटिस भेजने के नाते फिर मेरे से जवाब तलब होना चाहिए। उसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यह कहा है कि नेशनल कार्यकारिणी का जो मेंबर है उस पर डिसीजन लेने का अधिकार केवल हमारे लोकपाल को है, तो आपको मेरा केस लोकपाल को रिफर करना चाहिए।